बताइए कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगा कि युवा भी कोई सवाल अगर है तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री जी से या संगठन के लोग यहाँ पे हैं उनसे कर सकता है? देखिए, युवा जो सवाल करेगा उस सवाल को हम लोग एक प्रश्न बना करके सर्वे में डाल दिए हैं, क्योंकि एक डिजिटल भारत के सपना को देखते हुए साकार करते हुए ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। तो वो जो सवाल युवाओं के मन में उठने वाला है उसी सवालों को हम लोगों ने पूरे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से कलेक्ट करके उसको रिफाइन करके उसमें से सेलेक्टेड 4-5 प्रश्न निकाले हैं। उन 4-5 प्रश्नों को हम इन युवाओं के बीच में रखेंगे। वो युवा ही कदम से उस कार्यक्रम में इसी कार्यक्रम में अपने मोबाइल ऐप के द्वारा ही उसका उत्तर देंगे। वो हमारा सर्वे जो है वो एक रिपोर्ट बना करके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, मतलब सीधा संवाद नहीं होगा, जो संवाद होगा वो डिजिटल माध्यम से होगा और जो सवाल है वो युवाओं के मोबाइल पे जाएगा और उसी से उनको उत्तर देना है। सीधा संवाद ऐसी कोई चीज नहीं है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। आज क्या लगता है कि क्या आपको बड़ा मंत्र मिलने वाला है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से? आज हम लोग के पूरी की पूरी शीर्ष नेतृत्व के यहाँ पर उपस्थित रहेगी और ये हम युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि उनका उद्बोधन मिलेगा और उनका मार्गदर्शन मिलेगा जिसके आधार पर हम लोगों को आगे कार्य करने का मौका मिलेगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से 17 साल के लोगों को जोड़ा जा रहा है, अगले साल 19 के चुनाव को टारगेट करते हुए वो 18 के होंगे, वोटर होंगे, तो वो जैसे आपने कहा कि भविष्य की बीजेपी का निर्माण करने की कोशिश कर रही है बीजेपी? देखिए, हर दल अपने संगठन को बढ़ाने की चिंता में रात दिन लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी उससे अछूती नहीं है। हम भी रात दिन अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। हम इस कार्यक्रम का आप ये पहला स्वरूप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम को हम 4 चरण में करने वाले हैं। ये नौजवान जो हमारे 17 से 35 वर्ष के आयु के नौजवान आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, इसी कार्यक्रम को अगले स्टेप में हमारी नौजवान जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियाँ हैं वो करेंगी, उसके आगे जो हमारे सीनियर लोग हैं वो करेंगे, और उसके आगे जो हमारे पौड़ लोग हैं, जो हमारे अति सीनियर लोग हैं वो करेंगे। इस 4 चरणों में इस कार्यक्रम को हम बांटे हुए हैं ताकि हम एक बूथ अध्यक्ष अगर बना लें तो हमारी 21 की जो बूथ पर टीम है वो तैयार हो जाए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बूथ स्तर की राजनीति करती है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को पैदा करने की कोशिश करती है। हम अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से डिजिटल भारत का एक मैसेज देना चाहते हैं।